आई गाइज गुड इवनिंग एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन अब इसमें एग्जैक्टली exactly हम बात क्या करने वाले हैं वो आपको थमनेल से थोड़ा आइडिया लग गया होगा बट लेट मी मेक इट मोर क्लियर टू यू मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं वाई आर यू नॉट स्टार्डिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम हमारा सेवी के एग्जाम लाइंड अप है और आरबीआई के एग्जाम भी लाइंड अप है दोनों ही एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही अपने टाइम पे होने वाले हैं बट इवन देन आई एम विटनेसिंग दिस फ्रॉम द लास्ट फिफ्टीन ट्वेंटी डेज कि स्टूडेंट्स पढ़ने में इंटरेस्ट लूज करते जा रहे हैं अब हमें अपने आप से पूछना जरूरी है इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी आस्क फ्राम आर सेल्फ कि ऐसा क्यों हो रहा है इफ़ इट इज़ हैपनिंग नंबर वन स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन हैं जो क्वेरीज हैं दे हैव रिड्यूस्ड जितनी क्वेरीज मुझे डिस्कशन फोरम पे या फिर व्हाट्सएप uh, पे या फिर कॉल्स पे आया करते थे दे हैव ग डाउन सिग्निफिकेंटली डेट क्लियरली शोज

स्टडी द डबल और एटलीस्ट कुछ तो पढ़ना जरूरी है दूसरी चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूँ दैट स्टूडेंट्स हैव स्टॉप्ड अटेंडिंग लाइव सेशंस। जितने स्टूडेंट्स पहले लाइव सेशंस में हमारे एनरोल आया करते थे राइट नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज गॉन डाउन बाय एटलीस्ट हाफ अब ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ या फिर uh, कुछ चेंज हुआ है देर इज नो चेंज एट ऑल दी ओनली चेंजेजिवल सीजन है इसका मैं हर साल होता है इस साल भी हो रहा है लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज टू बी वेरी रेगुलर विद द लाइफ सेशन नाउ आर नॉट अटेंडिंग इट दिवाली पूरे हफ्ते या पूरे महीने तो नहीं चलती है एक या दो दिन या तीन दिन चलती है मैक्सीम अक यू कैन एन्जॉय बट प्लीज़ ऐसा ना करें कि उसकी वजह से पूरा हफ्ता आप अपना खराब कर लें तो स्टूडेंट्स अटेंडिंग लाइफ सेशन विच हैज़ गॉन डाउन प्लीज स्टार्ट अटेंडिंग लाइफ सेशन अगेन हम लोग दिवाली के टाइम पर भी पूरा पूरा दिन लगा के आपको पढ़ा रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप एटलीस्ट थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ लीजिए रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं दिवाली बहुत बड़ा रीज़न है एक जो और इम्पॉर्टेंट रीजन मैं नोटिस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की कॉल्स के थ्रू इज दैट पीपल आर स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन देखो नोटिफिकेशन का वेट करते रहोगे तो एट दी एंड यू विल जस्ट बी राइटिंग द एग्जाम यू विल नॉट बी क्लियरिंग द एग्जाम और आपका ऑब्जेक्टिव टाइम पास करना नहीं है कॉलेज नहीं चल रहा है कि आप बस एग्जाम लिखने चले गए एंड योर ऑब्जेक्टिव इज डन योर ऑब्जेक्टिव इज टू अट्टिमेटी क्लियर द एग्जामनेशन बिकॉज यूर लुकिंग फर आर जॉब आप घर पर खाली बैठे हैं काम नहीं कर रहे हैं दीज आर योर प्राइम ईयर्स विच इज स्पेंडिंग ऑन प्रिपेयरिंग फॉर सच एग्जाम्स तो प्लीज डू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन बिकॉज द नोटिफिकेशन इन द एग्जाम डज नॉट वेट फॉर यू एंड द थर्ड रीजन विच आई फील बात करके स्टूडेंट से इज दैट ऑफ स्टूडेंट आर टायर्ड आफ्टर दियर नबार्ड प्रिपरेशन नबार्ड में उन्होंने इतना एफर्ट लगा दिया कि अभी वो थक गए हैं तो रेस्ट कर रहे हैं आई एम नॉट से बट फिगर आउट अ टाइम कि मुझे ये एक हफ्ता और मैक्सिमम फिफ्टीन डेज आई वॉट रेस्ट आई विल नॉट लु गेट बुक्स आई विल नॉट डू एनी थिंग आई विल डू ओनली द थिंग्स दट आर इम्पोर्टेंट फॉर मी और उसके बाद आई विल स्टार्ट स्टार्टिंग अगैन ठीक है तो रेस्ट करिए बट फिगर आउट एंड आइडेंटिफाई कि इतना टाइम मुझे रेस्ट करना है आफ्टर दैट आई हैव टू स्टार्ट स्टार्टिंग अगेन अब क्या क्या आपको करना है दो तीन चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं विच कैन एक्चुअली हेल्प यू बीट द कॉम्पिटिशन एंड ऑल्सो बी मोर रेगुलर एट सच अ पॉइंट जहाँ पर uh, बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस्टिवल मूड की वजह से नहीं लिख पा रहे हैं नंबर वन वॉट यू हैव टू डू इज स्टडी फॉर थ्री टू फोर आवर्स एवरी डे मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम नहीं मैक्सिमम कर देते हैं तीन से चार घंटे आपको बस पढ़ना है उसके बाद आपको नहीं पढ़ना है इवन इफ यू हैव टू एंटायर डे टू योर सेल्फ आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए अपने आप से मेक अ प्रोमिस टू योर सेल्फ एन बिकॉज फेस्टिवल मोड इज ऑन आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी सो लेट मी जस्ट फिगर आउट थ्री आवर्स एवरी डे इन तीन घंटे में मैं और कुछ नहीं करूंगा या करूँगी आई विल नॉट डू एनी थी हेल्प्स आई विल जस्ट स्टार्टिंग एंड आफ्टर दीज थ्री आयर्स यूर कम्प्लीटली फ्री यू कैन डू वडेवर यू वॉन्ट कार्ड्स पार्टी करनी है दोस्तों के साथ घूमना है डू वडेवर यू वॉन्ट ठीक है ना बट ये तीन से चार घंटे आपको डेली निकालने ही निकालने उस पर क्या होता है मोमेंटम ब्रेक नहीं होता है आप फ्लो में चलते रहते हो इट्स लाइक अ टायर दैट कीप्स रोलिंग बिकॉज अगर आप रोक दोगे देन यू हैव टू पुश इट अगैन इफ इट कीप्स रोलिंग दी अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर टू मेक इट दोल uh, you know, जो एंड लाइन है उसको क्लियर करने में जो एफर्ट है दैट विल दूसरी चीज डू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन बिकॉज नोटिफिकेशन तो अपने टाइम पे आना ही है वन हुज गु वेस्ट एन एंटायर ईयर अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे और आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम एज ए सेट लिखना नहीं है एग्जाम क्लियर करना है नोटिफिकेशन आने के बाद आफ्टर गेटिंग द नोटिफिकेशन इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग और इफ यू पेस अपर प्रिपरेशन यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर दिन इट्स एज सिंपल स्टार्ट ओके पढ़ाई आपको अभी से करनी है तीसरी चीज ह थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज स्लीप ऑफ और टेक अ ब्रेक फॉर अ रिक्वायर्ड स्पैन ऑफ टाइम उस टाइम पर आप कुछ नहीं करेंगे यू विल जस्ट फोकस ऑन एंजॉइंग दैट टाइम पीरियड ऐसा नहीं कि वैन यूर टेकिंग अ ब्रेक देन यूर थिंकिंग अबाउट द न्यूजपेपर देन यू ऑर थिंकिंग अबाउट माई क्लासेज देन योर थिंकिंग अबाउट अदर से देन यूर स्पेंडिंग टाइम ऑन यूट्यूब सर्चिंग फॉर n number uh, answers to n number of questions when you are on a break you are on a break but break se pehle aur break se baad break ke baad you have to give your 100% so ek hafte ke liye break lena hai if you want to sleep one week off you do that but then sleep properly aaram se chill karo aur uske baad padhai phir se start karo okay to so, ye do teen cheeze thi jo main discuss karna chahta tha i wanted uh, you to ask yourself why is it that i am not studying और आई एम स्टार्टिंग लेस ऐसा क्या हो गया है एकदम से बिकॉज ऑफ द वाली दर आई एम नॉट पुटिंग इन माई हंड्रेड परसेंट ठीक है एंड प्लीज मेक दिस चेंज बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है बहुत सारे चेंजेस नहीं करने हैं यू डॉन्ट हैव टू पुश योर सेल्फ टू मच और टू हार्ड बेसिक चीजें करनी है प्लीज़ उनको करिए सो दैट यू कैन बीट द कॉम्पिटिशन सो दैट यू कैन बी ए हेड ऑफ अदर्स एंड यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन नॉट जस्ट राइट द एग्जामिनेशन ठीक है इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज इफ़ यूव एनी क्वेश्चन इफ़ यू टू से समथिंग कुछ भी आपको कहना है कॉमेंट सेक्शन में लिखिए बेस्ट टू रिप्लाई टू विट या फिर अगर मैं वीडियो बनाना बना सकता हूँ तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा आई एल सी यू वेरी सुन गाइज टेक केयर ऑल द बेस्ट बाय बाय जय हिंद